कन्या समृद्धि अकाउंट ये 7 सितंबर 1917 दिवस की उपलब्धि में ही एक टारगेट था खोलना, सरकार की बहुत बड़ी योजना है। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट का प्लान हम लोगों ने पिछले 10 दिन शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया पहाड़ीपुर तिरिया शाखा से, आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उसका मेन मकसद यही है कि आज हमारी बैंक का, बैंक ऑफ इंडिया का 117वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हम पब्लिक का सपोर्ट है और पब्लिक को हम लोगों ने आमंत्रित किया, क्योंकि पब्लिक से ही बैंक ऑफ इंडिया चलती है। कोई भी बैंक जो है पब्लिक के सपोर्ट से चलती है। इस अवसर पर हम लोगों ने भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी और एक बेहद अच्छी योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके तहत हम लोगों ने एक दिन से लेकर 10 साल तक की जो भी बच्चियां हैं उनका खाता खोला है, और हमारी शाखा ने 70 अकाउंट उसके खोले हैं सुकन्या समृद्धि के एक दिन के अंतर्गत, और हमारे गोरखपुर जोन ऑफिस के अंतर्गत जो भी शाखाएं आती हैं उन्होंने 1500 अकाउंट खोले हैं आज की डेट में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम आगे भी लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, टीम्स हमारी जा रही है मार्केट में ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलें। इसके अलावा हम लोगों ने भारत सरकार की और भी बहुत सारी योजनाओं पर काम किया है, जैसे हम लोगों ने केसीसी के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, मुद्रा योजना के अंदर अच्छे लोन बांटे गए हैं, और गोल्ड लोन का भी यहाँ बेहतर काम हो रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट बिजनेस में हम लोगों ने RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, उस पर अच्छे कस्टमर को हम लोगों ने जोड़ा है। PPF अकाउंट हम लोगों ने खुलवाया है जो टैक्स सेविंग है, बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा सबरिंग गोल्ड बॉन्ड पर भी बैंक काम कर रही है। तो बहुत सारी स्कीम है, जैसे जैसे कस्टमर जिस टाइप के आते हैं उनको प्रोडक्ट समझाया जाता है, और इस पर बैंक काम कर रही है ताकि इस क्षेत्रवासी का हर तरह से हर संभव, हमारा ये टीम एज ए प्रयास रहता है कि उनको हर तरह की सुख सुविधा और उनको जो बेनिफिट्स की चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई जाए जो भी हमारे बैंक में अवेलेबल है। सर, आज बैंक ऑफ इंडिया का 117वां स्थापना दिवस है जी। आज इस स्थापना दिवस पे बैंक ने लोगों के लिए क्या तोहफा दिया है? बैंक ने लोगों के लिए बहुत सारी तोहफा दी है, बहुत सारी एडवांसेस स्कीम है। जो लोन की स्कीम है वो तो सारी पब्लिक के लिए ही है, जैसे मुद्रा योजना के अंतर्गत छोटे मोटे है सर ना, जैसे कुछ योजनाएं पुरानी है जितना तो ये आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक ये होता है ना कि जैसे स्थापना दिवस हुआ और उसका वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, तो कुछ वर्षगांठ पे जैसे कुछ बैंक द्वारा या जिसका एक तोहफा दिया जाता है जनता जी, आज स्थापना दिवस है, आज ये खास लोगों के लिए इसके हम लोगों ने ये योजना शुरू किया है। आज तो किस तरह से बैंक इसको फोकस कर रही थी, ये स्थापना दिवस की उपलब्धि में ही खोला गया। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि बच्चियों के लिए, क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट भी बच्चियों के लिए अच्छे काम कर रही है, तो बैंक के थ्रू भी बैंक को ये बोला है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम सुकन्या समृद्धि से छोटी बच्चियों का, गरीब बच्चियों का ये खाता खुले जो उनके लाभकारी हो। तो सर, इस पे कुछ बताएंगे लोगों को कि किस तरह से सुकन्या तक जो है? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि सुकन्या आसानी हो लोगों को समझने में। मैं बताना चाहूंगा कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलना बहुत ही आसान है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। बच्ची जो भी एक दिन से लेकर 10 साल तक की जो भी बच्ची रहेगी उसका जो है जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, या तो आधार कार्ड, दोनों में से जो भी ये चीज बन गई हो उसमें जिसमें जन्म तिथि हो वो चाहिए, बच्ची का 2 फोटो चाहिए, और कोई भी एक गार्जियन चाहे जो वो माता हो चाहे पिता हो उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड और गार्जियन का 2 फोटो, और मात्र 250 रुपए से ये खाता खुल रहा है। विद्यालय का भी अगर प्रमाणित किया गया डेट ऑफ बर्थ होगा तो मान्य होगा? बिल्कुल, मतलब अगर सर्टिफाइड कॉपी है डेट ऑफ बर्थ की कि इन फ्यूचर वो चेंज ना कराएंगे तो वो मान्य लिया जाएगा। और कोई इस तरह की योजना है जो लोगों को डायरेक्ट सुविधा जिससे मिलता हो? और सुविधा है जैसे PPF अकाउंट है, जो भी लोग अपना टैक्स सेविंग चाहते हैं, जैसे 2.5 लाख तक सरकार टैक्स, 2.5 लाख तक टैक्स निल होता है, 2.5 लाख के ऊपर लोगों को टैक्स लगता है, तो सरकार की जो PPF योजना है उसमें आप 1.5 लाख तक रुपए जो है एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा अगर जमा करते हैं तो सरकार आपको 2.5 लाख तो ऑलरेडी छूट दे रही है टैक्स पर, प्लस 1.5 लाख ये जो आप जमा करेंगे PPF में, इस पर भी दोनों मिला के 4 लाख तक का छूट देगी, आपको टैक्स फ्री हो जाएगा। और उसका फायदा क्या है, सुकन्या में सरकार अभी जो है 7.6% का ब्याज दे रही है, आप नॉर्मल सेविंग खाते में 2.5% का है, FD को 5% का है, और अगर माता पिता जो भी है बच्ची के खाते में डालते हैं तो 7.6% का ब्याज मिल रहा है, और PPF में भी आपको अच्छा अमाउंट मिलता है, आप कोई भी इंसान अगर PPF में जमा करेगा तो उसको 7.1% का ब्याज मिल रहा है, तो ये अच्छा लाभकारी है टैक्स सेविंग के हिसाब से भी देखा जाए और प्लस आपको ब्याज के हिसाब से भी देखा जाए, तो ये कस्टमर्स के लिए हम लोग हमेशा अवेयर कर रहे हैं कि इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट होगा तो उनके लिए भी बेहतर है और उनके भविष्य की योजनाओं के लिए भी बेहतर है। साइबर क्राइम को लेकर के कुछ
हाँ साइबर क्राइम के लेकर मैं अभी अपने कस्टमर्स को हम लोग हमेशा आगाह करते रहते हैं कि कोई भी फ्रॉड कॉल्स आए या फ्रॉड मैसेजेस आ रहे हैं अगर मोबाइल पर या कोई फ्रॉड लिंक आ रही है तो उसको बगैर आप आइडेंटिफाई किए कुछ भी आपको रिप्लाई नहीं करना है, ना ही आपको लिंक पर क्लिक करना है, ना ही आपको फ्रॉड जो कॉल आती है उसको कोई रिप्लाई देना है, ना ही आप मैसेज का रिप्लाई दीजिए, क्योंकि बैंक जो भी कॉल कस्टमर्स को करती है वो बकायदा ब्रांच बुला के ही उसको सारा निदान करती है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से ये लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग स्पष्ट रूप से ऐसी चीजों से अपने आप को बचा के रखें। ये बार बार मैं हम लोग ब्रांच शाखा में भी सबको ये चीज नॉलेज देते रहते हैं और आज की डेट में एक बहुत बड़ा मतलब क्राइम बन गया है, बड़ा समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। इससे हम ये आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों को बताना चाहूँ, तो इससे बचें, जितना आप बचेंगे आप सुरक्षित रहेंगे, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा। सर जो आपका स्थापना दिवस 10वां चल रहा है तो इसको लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को सब पहला तो संदेश ये है कि सर जिस तरह हम लोगों ने जनता ने हमारी बैंक शाखा को, हमारी ब्रांच को और हमारी बैंक को जो आज तक 10 सालों में प्यार दिया है वैसे ही प्यार और स्नेह आगे भी प्रमाण देते रहे और हमसे जो सुविधाएं हो सके वो बिल्कुल हम लोग देने के लिए तैयार है। बैंक ऑफ इंडिया पहाड़ीपुर खीरिया में धूमधाम से मनाया गया 117वां स्थापना दिवस। आपको बता दें कि इस अवसर पर शाखा प्रबंधक खतीब अहमद, कैशियर रामचंद्र और असिस्टेंट मैनेजर विशाल प्रताप सिंह तथा विपुल मिश्रा, राजकिशोर सिंह व मनीष वर्मा, पिंटू वर्मा, देवेंद्र यादव, शिवानंद आदि तमाम संख्या में लोग मौजूद थे। आइए जानते हैं क्या कहा बीओआई बैंक के शाखा प्रबंधक खतीब अहमद ने। देखिए इस वीडियो में, तस्वीर पहाड़ीपुर खीरिया से है जहाँ बैंक ऑफ इंडिया का 117वां स्थापना दिवस मनाया गया। देखिए इस तस्वीर में क्या कहा प्रबंधक ने।